जब भी खाने का मन करे आप इस तरह से इंस्टेंट डोसा बना सकते हैं। खाने में तो स्वादिष्ट होता ही है, बनाना भी बहुत ही आसान है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रितु आप सभी का फूडी कुकटॉक में स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाली इंस्टेंट डोसा रेसिपी और साथ में बनेगी नारियल की चटनी। तो चलिए इसे बनाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इंस्टेंट डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम 1.5 कप चावल का आटा लेंगे। 1 कप चावल का आटा हमने डाल दिया और 1/2 कप और डाल देंगे। अब 1/2 कप सूजी डाल देंगे। सूजी के डालने से डोसा क्रिस्प बनेगा और काफी देर तक क्रंची बना रहेगा। 1 चम्मच बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता डाल देंगे। 1/2 कटोरी बारीक कटी हुई गाजर डाल देंगे। 1/2 कटोरी बारीक कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। 2 हरी मिर्च डाल देंगे, इसे भी हमने बारीक काट लिया है। अब जिस कप से हमने सूजी या आटा इसमें लिया था उससे ठीक डबल इसमें 4 कप पानी डाल देंगे। यहाँ हमने 1.5 कप चावल का आटा लिया था और 1/2 कप सूजी यानी कि 2 कप, तो 2 कप का डबल हमने यहाँ 4 कप पानी डाल दिया है। कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और इसमें 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसे कलछे से या बीटर से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसका बिल्कुल पतला बैटर तैयार कर लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, बिल्कुल बटर मिल्क की तरह इसे तैयार करना है। तो यहाँ हमारा डोसा का बैटर बिल्कुल पतला तैयार हो गया है। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर हम रख देंगे ताकि इसमें हमने जो सूजी डाली है वो बढ़िया से फूल जाए। जब तक बैटर रेस्ट में है तब तक हम नारियल की चटनी तैयार कर लेंगे। इसके लिए हमने 1/2 कच्ची वाली नारियल ली है और इसके पिछले भाग को भी हमने बढ़िया से छील लिया है। इस तरह की नारियल आपके पास ना हो तो आप इसके जगह पे सूखे नारियल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे से स्लाइस कर लेंगे। नारियल के इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेने से नारियल की चटनी बढ़िया से पिस जाती है और इसमें कोई गुठलियाँ भी नहीं होती। इसके साथ अब 2 हरी मिर्च काट लेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां लेंगे और 1 पूरा लच्छा कड़ी पत्ता ले लेंगे। अब इन सभी चीज़ों को छोटे वाले जार में डाल देंगे और इसकी चटनी हम पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इस जार के ढक्कन लगाएंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस चटनी को गाढ़ा करने के लिए हमने यहाँ बेसन का इस्तेमाल किया है। तो अब हम 2 टेबल स्पून बेसन लेंगे और इसे धीमी आंच पे हल्का ब्राउन होने तक भून लेंगे जब तक कि इसमें से हल्की सोंधी सोंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसे पीसी हुई चटनी में डाल देंगे और जार को एक बार फिर से मिक्सी पे चला देंगे ताकि ये बढ़िया से मिक्स हो जाए। हमने यहाँ बेसन का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो यहाँ भुनी हुई चने डाल सकते हैं या फिर चना दाल हो तो उसे भी आप भूनकर इसमें डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी यहाँ तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। चटनी के ऊपर तड़का लगाने के लिए हम एक पैन को गरम करेंगे। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। तेल जब गरम हो जाए तो हम इसमें 1/2 चम्मच सरसों डाल देंगे। सरसों जब थोड़ा चटकने लगे तो इसमें 2 लाल मिर्च डाल देंगे। 1/2 चम्मच उड़द की दाल डाल देंगे। 1 बंच कड़ी पत्ता डाल देंगे और अब हम इसे हल्का फ्राई करेंगे। सारे मसाले जब हल्का भुन जाए तब तड़का को चटनी के ऊपर डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। लीजिए, हमारी ये चटनी तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम डोसा तैयार कर लेते हैं। हमारा बैटर भी बढ़िया से फूल गया है। एक बार इसे बढ़िया से चला लेंगे क्योंकि सूजी बहुत जल्दी नीचे बैठ जाता है। डोसा बनाने के लिए हमने यहाँ पैन लिया है। इसे अब इतना गर्म करेंगे कि ऊपर से हल्का धुआं दिखने लगे। पैन जब बढ़िया से गर्म हो जाए तब हम एक कटोरी में बैटर लेंगे और बैटर को हम किनारे से डालते हुए सेंटर में डालेंगे। तवा हमने पहले गर्म किया था, अब हम इसे मीडियम कर लेंगे
और एक साइड से इसे क्रिस्प होने तक सेकेंगे। डोसा जब हल्का नीचे से ब्राउन दिखने लगे, ऊपर से थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे ताकि ये बढ़िया से क्रिस्प हो जाए। और ये नीचे से अब बढ़िया से सिक चुका है, तो हम एक बार इसे अब पलट देंगे ताकि इस साइड से भी ये बढ़िया से सिक जाए। और इस तरह से हमारा ये डोसा तैयार हो गया है। देखिए काफ़ी बढ़िया ये क्रिस्पी दिख रहा है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम दूसरा डोसा भी तैयार कर लेंगे। पहले किनारों पे डालेंगे, फिर बीच में हम डालेंगे। नीचे से बढ़िया से क्रिस्प हो चुका है, तो अब इसे पलट देंगे। अब दूसरे साइड से भी इसे हल्का सिकने देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ये डोसा भी तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी इंस्टेंट डोसा और नारियल की चटनी तैयार है। इसी तरह से आप भी अपने घर में इंस्टेंट डोसा और नारियल की चटनी बनाइए। और आपकी रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।